हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अवेंजर्स इन गेम के आए हुए ट्रेलर और इस मूवी के फैक्ट्स के बारे में जानेंगे एंड पॉसिबली एंड सैडली आखिरी में इस मूवी के सारे अवेंजर्स के एक्टर यानी कि अवेंजर्स असेंबल होते हुए दिखाए गए हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। रिकॉर्ड्स ऑन यूट्यूब। अवेंजर्स इन गेम का जो पहला ट्रेलर था वो ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब जैसी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया गया था और इसके रिलीज़ होते ही इसने 289 मिलियन का जो व्यूज़ था उसे क्रॉस कर दिया। और इससे पहले जो अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर रिलीज़ हुआ था उसने 24 घंटे के अंदर ही अंदर 230 मिलियन व्यूज़ को पार कर दिया था। और इतना ही नहीं, अवेंजर्स इन गेम का जो फर्स्ट ट्रेलर वीडियो आया था वो यूट्यूब की हिस्ट्री पे पहला ऐसा वीडियो था जिसने 1 मिलियन लाइक्स का टारगेट कम से कम समय पे पूरा कर दिया था। फर्स्ट 20 मिनट्स इन द ट्रेलर। अवेंजर इंड गेम के प्रोड्यूसर केविन फेज की माने तो उन्हें यह ट्रेलर में जो भी कुछ दिखाया है वह फुटेज मूवी के पहले की 20 मिनट से तोड़ जोड़ कर बनाई गई है। 10 ईयर्स जर्नी ऑफ मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स। अवेंजर इंड गेम के साथ मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स ने भी अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। यह मूवी एमसीयू सीरीज की 22nd मूवी है। पहली मूवी इस सीरीज की आयरन मैन थी जो कि 2008 में आई थी। और कहा यह भी जा रहा है कि अवेंजर्स मूवी इस अवेंजर्स सीरीज की आखिरी मूवी भी हो सकती है। इस मूवी के साथ ही रॉबर्ट का मार्वल के साथ कॉन्टैक्ट भी एक्सपायर हो रहा है और यह क्रिस एवेंस की भी आखिरी मूवी होगी। यह बहुत बुरी खबर है क्योंकि कैप्टन अमेरिका आयरन मैन की जो पॉपुलैरिटी है वो इनके वजह से ही है। आइए चलते हैं स्पॉयलर्स की तरफ। अवेंजर्स इंडगेम। इस मूवी में कुछ नए और पुराने किरदार भी देखने को मिल सकते हैं। खबर आ रही है कि मूवी में ग्विनेथ पेल्ट्रो अपने खुद के आयरन मैन सूट में दिख सकते हैं। उनके कैरेक्टर का नाम होगा रेस्क्यू। हालांकि उस मूवी में वह मारे गए थे पर यहां फ्लैशबैक में उनकी वापसी हो सकती है। साथ ही इस मूवी के सेट पर आर्यन टेलर जॉनसन को भी देखा गया है जिन्होंने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में क्विक सिल्वर का कैरेक्टर प्ले किया था। इस मूवी में किरदार ड्रैक्स हैंपियम स्पाइडरमैन भी नजर आएंगे जो थानोस की चुटकी से गायब हो गए थे। टाइम लैप्स इन अवेंजर्स इन गेम। आपने ट्रेलर में यह जरूर नोटिस किया होगा कि अवेंजर के लुक और स्टाइल बदल गए हैं। इस ट्रेलर में एक सीन में स्कॉटलैंड यानी कि एंट मैन बड़े ही कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, जैसे कि वह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके एब्सेंस में क्या हुआ होगा। इसी के साथ पीछे दिख रहे घर और पेड़ हुए जिसमें लग रहा है कि मूवी को कम से कम 5 से 10 साल का टाइम लैप लिया है। टोनी स्टार्क और निब्यूला भी वापस आ गए। अवेंजर्स की इस नई कॉस्ट्यूम भी काफ़ी फैंटास्टिक लग रही है। और आखिरी बात, इस सीरीज में पहली बार और सबसे शक्तिशाली अवेंजर थॉर और कैप्टन मार्वल एक दूसरे का सामना करेंगे। और इसी के साथ वीडियो होती है ख़त्म। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर।